हम लोग का फ्री में नहीं कर देता है, लड़की लोग का फ्री में कर देता है कि हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाए हैं, वो सही पैसा चाहिए कदम कदम पर। बोलो ना आज ही ऐसा हुआ, कम से कम जाने टाइम पे मैं चला जा रहा हूँ, मैं चले जब चले गया कल मिलेंगे ऐसे फोन पे जा रहा था, ऐसे ही वो फोन आया था, फोन रिसीव किया था, फोन रिसीव करने के बाद ऐसे ही चला गया, वो लॉक बिगड़ गया था हैंडल का, जो उसका 3000 रुपये ले लिया इनने। तो पहला है गल्फ का, गल्फ ये ब्रेक का ले गया, आएगा ब्रेक होता है ना आएगा, हम ले गए मोबाइल फिल्टर है, मोबाइल को प्यूरीफाई करता है, ये जो मोबाइल होता है इंजन पे डाल के प्यूरीफाई करता है, मोबाइल फिल्टर भी लेके आएगा, पीछे का ब्रेक शो होगा आई थिंक, डिस्पैट का हम लेके आ गए एक मिरर जो हमारा टूट गया था ना, एयर फिल्टर बोलते हैं इसको, जो साउंड और इंजन को इंजन पे पास हो जाएगा, कुछ पैड है जो आएगा, डिस्पैट होता है ना इधर का, इधर भी ख़त्म हो गया था, चेनिस पकड़ है, चेनिस पकड़ इंडिकेटर नहीं बोलता था ना, इसलिए ये भी चेंज करने के लिए पड़ गया बहुत, इसको भी इसका भी 2000 अराउंड लग गया। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन, सब लोग ठीक है, हम निकल रहे हैं अभी इधर बाइक बनाने के लिए, बाइक के साथ गाड़ी बनाओ नहीं कि बाइक बनाओ ना, बाइक बनाना पड़ता है ना, सर्विसिंग करने का टाइम हो गया इसलिए बाइक बनाना पड़ रहा है, इसलिए जा रहे हम लोग, हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि उधर थोड़ा नज़दीकी बानेश्वर चौक है, उधर बानेश्वर में जाके हमको वो गाड़ी का सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। दाई चलो ना, दाई किस रोड रहे हो उधर, पता नहीं, हम लोग अभी से निकल रहे हैं, बाइक चलाओगे आप हाँ, क्यों आप इंस्पेक्टर हो ना, इंग्लिश नेपाल के इंस्पेक्टर हो ना, नेपाल के ऐसे इंस्पेक्टर वाला आदमी भी, चलो बाइक चलाओ आप, चलाओ ना प्लीज, अरे चलाने नहीं, कितना झूठ बोलते हैं यार, स्कूटी लेके चलते हैं फिर इधर उधर, स्कूटी आता है, चलो ठीक है, इनको नहीं आता इसलिए हम ही चला, हमको ही चलाना पड़ेगा, लेकिन इसलिए मैं रास्ते में वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि उधर मोबाइल स्टैंड नहीं है ना हमारा, इधर गोप्रो वोप्रो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं, जब ज़्यादा पैसे कमाएंगे उसके बाद हम गोप्रो भी किनेंगे, इधर हेलमेट भी रख के मोटो ब्लॉग भी करेंगे गाइज, सो अब हम चलते हैं इधर से, थोड़ा ही दूर है, 5-10 मिनट लगेगा हमको जाने के लिए, उधर जाके कितना में क्या करेगा सब कुछ दिखाएंगे हम लोग, ठीक है, तो अभी वीडियो देखते रहिए आप लोग, हम चलते हैं उधर जाके सीधा वहीं मिलेंगे, ठीक है। सो गाइज हम अभी इधर आ गया, जगह माइती 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 पड़ता है मैं देवी पड़ता है ना, सही आ गए भैया के, भैया के दुकान पे सामान सामान वामान हम लोग खरीदने के लिए उधर जाना पड़ेगा, यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा, इधर जाके हम सामान खरीदेंगे शॉप से, उसके बाद यहाँ के सर्विसिंग करेंगे, इनके साथ बात करेंगे अब क्या कुछ बोलना है क्या करेगा, इधर कोई नहीं है जैसे लगता है, अंदर वेट करना पड़ेगा, वेट करेंगे। सो गाइस हम लोग इधर बाइक दिखाने के लिए आ गए, रेडी हो गया हमारा मिस्त्री भाई भी इधर रेडी है, सो बाइक चेक कर देंगे सब, इनको चाबी दे दिया मैंने, बाइक चेक कर देंगे उसके बाद हम सामान लेने के लिए साथ में जाएंगे, तो वो भाई और मैं मिस्त्री भाई और मैं साथ में जाएंगे, उधर जाके सामान लेके फिर इधर आके सर्विसिंग करना पड़ेगा। मैं क्यों इधर आता हूँ ये बात कर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इधर नज़दीकी एक शोरूम है ना, और आपका सामान बेचता है उधर, सामान जो बेचता है वो नज़दीक है माइती देवी पे, और उधर सस्ता सामान देता है क्योंकि उधर जो आप हम लोग गैरेज से सामान, गैरेज वाले को चार्ज सर्विसिंग चार्ज देना पड़ेगा, ये लोग है ना ये लोग चला के टेस्ट कर रहे हैं अभी भाई, ये लोग को सामान का टेस्ट सामान का पैसा देना पड़ेगा, सर्विसिंग का पैसा सब कुछ दे देंगे इनको, और सामान खुद हम लेंगे तो सस्ता हो जाएगा, इसलिए पैसा सस्ता हो जाएगा, उसके चक्कर में हम इधर आके काम कर रहे हैं, मैं तो फिर आ गया यार इधर, अब क्या कुछ पीना है भैया, कुछ पीना है तो इधर दुकान है सब कुछ पीना है तो हाँ, क्यों डॉलमा छिड़े वहीं पे नजदीक है,
बहन आ गई फिर स्कूटी बनाने के लिए। जोर दौड़ में इनके तो और स्टाफ थे इधर, स्टाफ जैसे लगता है मुझे, लगर रहे लगर भाई स्टाफ लोग जो थे इधर, स्टाफ लोग नहीं है अभी, वो अकेला ही बैठता है, इसलिए इसको बहुत टाइम लगेगा जैसे लगता है मुझे। लगता है भैया बहुत टाइम टाइम लेगा ये बनाने के लिए, टाइम लगेगा ना। तब तक हम लोग कुछ खा के आते हैं बाहर जाके, भूख लगाए कुछ, भूख लगाए खाने के लिए कुछ, मन मन है कि नहीं? नहीं है। लैंड क्रूजर, लैंड क्रूजर इंडिया में बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन इधर नेपाल है, नेपाल नेपाल बहुत महंगा है। ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है क्या भैया? रेसिडेंशियल बिल्डिंग है क्या है बोलो ना। सो इधर हमारा बाइक छोड़ के इधर स्कूटी चेक कर रहे हैं, अब इधर जाके इधर ऑयल मोबाइल होता है ना, मोबाइल इंजन मोबाइल, वो उसको चेंज करना है। सामान उसको क्यों लेने के लिए भेज रहा है कि उसको फायदा होगा ना थोड़ा पैसा, हम लोग खुद लेके आएंगे तो इधर थोड़ा पैसा मंगत लेना पड़ेगा, लेकिन एक खुद जाएगा तो इसको सर्विस चार्ज भी मिलेगा और आपका होता है ना थोड़ा कमीशन भी मिलेगा, इसलिए इनको भेज दिया मैंने। जाओ खुद जाके लेके आओ बोल रहे हैं, लेकिन अब जाएगा कि नहीं पता नहीं अभी। कौन है वो कैसे पता चला आपको? आप इंस्पेक्टर हो इसलिए ट्रैफिक ओके, ट्रैफिक देखने देखने साथ आप पहचान लिया ना आपने? डेरे दाई आप तो खतरनाक बंदे है दाई, इसको जल्दी बोलो ना मैकेनिक को, जल्दी जाके जल्दी काम कर दो, हमारा हमें जाना है, बोलो ना जाना है। अरे चश्मा खोल के आप शाहरुख लग रहे हो भाई, शाहरुख लग रहे हो। लगता है बहुत टाइम लगा देगा यार आज, क्योंकि इधर कोई भी नहीं है ना, अकेला है, अकेला है, इसलिए बहुत टाइम लगा देगा जैसे लगता है मुझे, टाइम लगाएगा। हम लोग यहाँ से पैकेज बना के चले जाएंगे, वो चेक कर रहा है लाइट, चेक कर रहा है अभी उसका, इधर महीने का इधर चाबी अटक गया, चाबी चाबी अटक गया, इसलिए पेट्रोल भी भरवा नहीं सकती है बहन बहन, इसलिए अब क्या करेगा ये, इनको सब तोड़वाना पड़ेगा। कब ऐसा हो गया बहनी बोलो ना, आज ही ऐसा हुआ? अच्छा पेट्रोल पंप के अंदर गए थी पेट्रोल भरवाने के लिए, तब टूट गया, कितना कच्चा वाला चाबी था यार तुम्हारा, अभी तो खुल गया। अरे बहन आप नर्स हो, नर्स हो, अब लॉक से उधर है ना, लॉक है, लॉक बना रहे अभी बहनी, नर्स हो आप, लाइसेंस के लिए प्रिपरेशन कर रही हो? अरे खतरनाक वाला नर्स है ये, असिस्टेंट हो, हेल्थ असिस्टेंट, चलो ठीक है, इनका हो गया, अब हमारा काम शुरू हो जाएगा, जल्दी कर दो, हमारा हम लोग को जाना है ना, पड़ेगा ना, बहुत दूर है, इनका रूम दूर है इसलिए हम लोग को जाना पड़ेगा। हो गया हमारा भी ना हो जाएगा, इधर जाम लगता है थोड़ा ही देर में, नेपाल की पुलिस लोग देखिए, नेपाल की पुलिस ऐसे पुलिस होते हैं, पुलिस लोग के चक्कर से इधर बहुत तकलीफ है नेपाली जनता के बहुत। आप आपको सारे बिगड़ा है थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं इसको ये बिगड़े हैं हल्का फुल्का, हो गया इसका मेरा भी लॉक बिगड़ा है, मेरा भी बिगड़ गया है इधर, कोई नहीं पैसा देना नहीं पड़ेगा, अरे फ्री में भैया है तुम्हारा, ठीक है इसलिए इसलिए फ्री में कर दिया, हम लोग अगर फ्री में नहीं कर देता है
लड़की लोग का मतलब फ्री में कर देता है क्यों क्यों को पता नहीं। चलो चलो बहनी जाओ, अब हम इधर ओके बाय बाय। अबे हमारा सामान लेने के लिए जा रहे हैं, सामान लेके आएंगे उसके बाद हम काम करेंगे। अरे भाई साहब हमारा बाइक लेके टेस्ट ड्राइव करने के लिए गए हैं, टेस्ट ड्राइव करेगा तो आप लोग को मीम्स में दिखा देते हैं कैसे टेस्ट ड्राइव करते हैं, वो उसी तरह करके आएगा वो। अभी बाद में थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। पैसा सबके भगवान है भाई, है कि नहीं बोलो? पैसा नहीं होएगा तो हम लोग इधर चल भी नहीं सकते। चल तो सकते हैं लेकिन कुछ खाना पड़ेगा, जूता पहन नहीं सकते। अच्छा जूता पहन सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे कैसे काठमांडू में बैठ के हर कदम कदम पे पैसे तिरना पड़ेगा। आपको पता है कदम कदम पे लाखों हसीनाएं है, सुने हो गीत कभी? हाँ, यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं है, वो सही पैसा चाहिए कदम कदम पर। वो जो पोल डांसर था ना, आपको वीडियो देखा था ना एक आदमी का पोल डांसर, कैसे किया था पोल डांसर? खतरा बंदा है मेरा कसम यार, वो तो है वीडियो तो देखा, मैं घर जाके इतना समझ गया उसको पोल डांसर, पोल में पूरा एक्शन किया था। हाँ बाइक कहाँ लेके गया पता नहीं, हम थोड़ा वेट करते हैं उसके बाद फिर हम सामान वामान लेके लेने के लिए जाएंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। भैया को खाने के लिए बोल रहा है मैंने अभी तक, अभी भी खाओ कुछ खाना मन है तो, भूख लगा है तो, लेकिन एक खाना नहीं चाहते हैं। चाहते हो खाने के लिए कुछ? मन है? मन नहीं है। चलो ये आगे जाएगा सब रखेगा, बाइक रखेगा उसके बाद हम सामान लेने के लिए जाएंगे। सामान सामान हिसाब करेंगे हम यहाँ। अभी कुछ भी नहीं हुआ है ना, सो सब खोल रहा है भाई, अंदर बैठ कर सब कुछ उतार लेगा, उसके बाद मोबाइल उतारेंगे, उसके बाद सामान लेने के लिए जाएंगे हम लोग दोनों साथ में। हवा वो रखना चाहिए था ना, रखना चाहिए था हवा, हवा रखना चाहिए था ना इधर। हाँ वो तो है, वही तो 10 रुपये सकर में कौन पड़ेगा नहीं। गाइस तो हम ये बाइक को नंगा करने के लिए लगे पड़े हैं तीन लोग। ए भैया देख के देखते ही रहते, इसको इसको नंगा कर, इसको नंगा कर रहे हैं इसलिए आप देख देखते रहे हो ना। हाँ है कि नहीं? बाइक को हम तीन लोग मिलके नंगा कर रहे हैं अभी, इसको नंगा करके। हाँ चड्डी भी नहीं रखेंगे, चड्डी भी नहीं रहे, लेकिन आप क्यों घूर के देख रहे हो इधर? चड्डी को सब उतारना है, चड्डी भी चड्डी तो मत उतारो भैया, ज्यादा नंगा भी मत करो। बाइक का तो खत्म है यार, उसको चेयर क्या बनाना पड़ेगा ना, उसको फुल सब कुछ। चलो ठीक है उधर जाके देखेंगे, वो तो ऑयल तो निकल रहा है ना उधर से, इसलिए फेरने पड़ेगा, वही जाके देखते हैं। इतना गंदा है वहाँ कसम, इसको ऐसे धुलवाना पड़ेगा भाई, नहीं ऐसे धुलवा के दो तीन दिन तक धो के नीचे रखेंगे, जब सूखेगा उसके बाद अच्छा दिखेगा। ऐसा गंदा है वहाँ कसम यार, अंदर से कितना बाहर से कितना चमकदार था ना, देखते ना हमने। अरे वहाँ कसम यार खतरनाक लेवल है, और ज़्यादा मज़ा नहीं चाहिए इसके, जितना मज़ा लूटना था लूट लिया है। पाँच साल तक बाहर से देखने में जितना अच्छा है मोबाइल नहीं है क्या? आए मोबाइल तो बाहर से देखने में जितना भी खूबसूरत लगे अच्छा लगे, लेकिन हमने अंदर का सब उड़ा लिया है, हम गाड़ी की बात नहीं कर रहे। इतना काला हो गया, खत्म हो गया था,
चलता था तो थोड़ा दिन ऊपर ऊपर दिखाएगा समस्या नहीं इंजन पे चलो हम लोग चलते हैं सामान लेने हेलमेट 10-15 हज़ार का हेलमेट है वो कोई उड़ा लेके गया तो फिर हम इधर बर्बाद हो जाएंगे पूरा के पूरा बर्बाद हो जाएंगे हम बर्बाद है ना भाई हम सामान लेने के चलेंगे सब लोग अच्छा चलो सामान क्या सामान दिखाता हूँ आपको सामान क्या मिलता है किधर मिलता है आप सर्विसिंग सब कर रहे हो तो यहाँ आके मिल इनके साथ ठीक है इधर बनाओ ना इधर बहुत सस्ता मिलेगा कौन मोसड़े वाला बाइक इधर रख के गया यार एक आप क्या बोलते हैं इसको माइती देवी बोलते इधर से सीधे जाएंगे तो माइती देवी पुकेंगे इधर राइट से जाएंगे तो जाओगे तो आप लोग उधर का पहुँचेंगे बानेश्वर पहुँचेंगे देख सकते माइती देवी पेट्रोलियम सप्लायर्स सब इधर पेट्रोल पंप के साइड पे आके इधर एक जगह है हम दिखा देंगे आपको ये वाला इधर टायर रखे लगा के रखा है टायर वाला उस टायर वाला पे सब कुछ है यहाँ पे आके सामान लेके जाना है वो चाहिए तो सब कुछ दे देगा भैया जो आखा सफेद वाला है सब सामान और भेज देंगे यहाँ से पसंद का नाम है ना यार पसंद ना है अंबिका ऑटो पार्ट्स उसके बाद यहीं से हम चले जाएंगे सामान लेके सब कुछ जो गैस हम लोग इधर से सामान वामान खरीद के चले निकल गए वो सामान लेके जो गैरेज वाला था जो हमारा भैया वो चला गया आगे पहले ही और हम लोग इधर से यहीं चलेंगे थोड़ा नीचे सामान लेके पहले ही चला गया अराउंड 6,000 का भी लगाया था बहुत ज़्यादा सामान ले गया है ना आपका वो सामान दिखाता हूँ मैं अभी जाके दिखाता हूँ कितना सामान गया कितना सामान निकाल लिया और प्राइस तो पता नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली 6,000 पे किया है उधर और इधर को क्या क्या सामान लेके आ गए वो सब कुछ दिखाऊंगा आपको अब इतना बाइक सामान लेके आना पड़ा क्या करेंगे ऐसा ही है तो हमारा सामान इधर आके इधर रखे भैया और होला वाला खाएंगे उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा काम स्टार्ट गाइस आप देख सकते हो आप लोग नेपाल में क्या है इधर पेशाब करने के लिए आदमी वो उसको रास्ते के नीचे और पुल के नीचे अभी भी जाके उधर पेशाब कर रहा है देख सकते होंगे आप उधर अंदर और जो कार के पीछे क्या बोले इनको यार वहीं पे लिखा है जथा भाभी फोर करने कोई किसी ने किया तो उसको फाइन लगेगा बोल लिखा है उधर ये आदमी ऐसे बकवास काम करते क्या बोले इनको सो हमारा बाइक का काम स्टार्ट हो गया सो हम क्या क्या सामान लेके आए थे उधर खोल के दिखाएंगे आप लोगों को तो पहला है एक गल्फ का गल्फ राइड 40+ 20x50 का सस्ता वाला है पता नहीं कितना पड़ता है और इसके बाद एक ये ब्रेक का ले गया आएगा ब्रेक होता है ना आएगा ब्रेक का इसको 1600-1800 कितना पड़ा है इसको बहुत इसको बहुत महंगा पड़ेगा और हमें ले गए मोबाइल फिल्टर है मोबाइल को प्योरीफाई करता है ये जो मोबाइल होता है इंजन पे डाल के प्योरीफाई करता है मोबाइल फिल्टर भी लेके आ गया उसके बाद ये हमारा पीछे का ब्रेक शो होगा आई थिंक डिस्पैड का होता है ना ब्रेक पैड और पीछे का और आगे का भी और हम लेके आ गए एक मिरर जो हमारा टूट गया था ना तो वाला टूटा था इधर लटका टूट गया था इसलिए भी लेके आ गया उसके बाद एयर फिल्टर बोलते हैं इसको जो साउंड और इंजन को इंजन पे पास हो जाएगा कुछ भी उसको प्योरीफाई करेगा ये
उसके बाद ये आएगा डिस्पैड, जो आएगा डिस्पैड होता है ना इधर का, इधर भी ख़त्म हो गया था, आगे डिस्पैड भी चेंज किया ले गया। और इस पॉकेट चेन, इस पॉकेट है ये चेन, इस पॉकेट इतना करूँगा है, रोलन किट का है, पल्सर का, एनएस का, और चेन इस पॉकेट जो हमारा बिगड़ गया था, ख़त्म हो गया था, वो निकालने के लिए अभी चेंज करने के लिए भैया रखा है, भैया इधर बाइक संभाल रहे, वो निकल देगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। और जो उधर है वो दांत वाला, दांत को, चेन को, और आएगा भी उस पर आएगा, सब कुछ आएगा ना, तीन टा सामान आएगा ना, एक ए दो ए तीन, तो ये तो सामान आया हमारा। और ये भैया फिट कर रहे हैं, अभी फिट करेंगे हम लोग, इधर साइड में बैठ के वीडियो बनाएंगे, देखेंगे ठीक है कैसे सामान फिट करते हैं, सीख भी सकते हो आप लोग कैसे काम, अब अगर चाहिए तो कुछ भी किधर भी सामान बिगड़ गया तो आप लोग चेक कर सकते हो ना, कैसे बना सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं। सो हम लोग आपको, मैं आपको दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे निकालेगा, इधर लॉक होता है, लॉक पहले लॉक को खोलना पड़ेगा, उधर लॉक है ना भैया, वो इस पॉकेट का पीछे का जो, इसको क्या बोलते हैं, इस पॉकेट, इसी को बोलते हैं, पीछे का इस पॉकेट होता है जो उसको उसका लॉक होता है, चेन इस पॉकेट, सब टोटल को चेन इस पॉकेट बोलते हैं, इसको इस पॉकेट, उसको चेन, और आगे का इस पॉकेट, पीछे का इस पॉकेट वही बोलते होंगे शायद। उसके बाद इसने यहाँ पे लॉक था जो लॉक खोल दिया, सबके लॉक खोल दिया, इसका लॉक खोल दिया, इसका 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 भी लॉक खोल दिया, सबका लॉक खोल दिया। और उसके बाद इसको रिंच से घुमा के खोलेंगे ये लोग, आई थिंक खोलेंगे, खोल रहे। सो हम इधर आंटी के इधर बाइक गैरेज के सामने नज़दीकी, और इधर है हम आगे चाउमिन खाएंगे, इधर चिकन चाउमिन बनाने के लिए बोल दें आंटी को, और चिकन चाउमिन बना के हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, वो पकौड़ा वकड़ खाएंगे, तो ये भी सब कुछ है, अंदर बैठने के लिए जगह है, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इधर देख रहे भैया के काम कर रहे हैं, आंटी चाउमिन बनाएंगे, आंटी थोड़ा अच्छा मीठा बना देना ठीक है, मीठा चाउमिन बना दीजिए ठीक है, ठीक है, मीठो 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 खाने हमें चाउमिन चाउमिन हजार। ये देख सकते हैं आप नया वाला, ये उल्टा सुल्टा नहीं होता है क्या, उल्टा सुल्टा होता है नहीं, उल्टा हो जाएगा तो क्या करेगा, उल्टा नहीं है पर ये नंबर ऊपर हो जाएगा, अच्छा अच्छा नीचे नहीं होता है नंबर, ए दिन टाइम पे ये नया नहीं देगा, अलग से कितना पड़ेगा, ये तो काम चलेगा ना, अभी हमारा काम चलेगा, एक को अच्छा अच्छा हाँ हाँ अभी तो ये चलेगा ना हमारा, तो जल्दी नहीं बिगड़ता, अच्छा अच्छा हाँ वही तो, उसको कुछ काम ही नहीं है इसलिए जल्दी नहीं बिगड़ता है, लॉक लॉक करके रखना पड़ेगा। इसका जो ये था ये नॉट भी किसी का पुराना ही यूज़ किया आपने, नॉट भी नहीं होता है, उसमें आता है, अच्छा ठीक है, तो आज समझ में आया कि चल चेन स्पॉकेट खरीदेंगे तब आपका सामान जो भी नॉट खोलेंगे उसको सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर बाद में उसी को यूज़ करना पड़ेगा, नया वाला नया आता है उसके पैकेट पे, इसलिए भैया ने वही उसी को यूज़ किया है। अंदर हम लोग तब तक खाजा खा के आते हैं, नाश्ता खा के आते हैं, वह काम करेंगे।
सुबह का जमा अभी इधर आ गया, चाउमीन आ गया, हम लोग चाउमीन फिर खाते हैं भैया। अभी इधर चटनी खाएंगे हम भैया, सब खाएंगे हम चाउमीन के साथ, चिकन चाउमीन खा रहे हैं अभी, चिकन चाउमीन खाते हैं उसके बाद लगे उधर वेट करेंगे फिर। तो गाइस जो जो मेरे साथ आ गया था वो भैया मुझे छोड़ के चला गया, उसके दोस्त आया था और राज भाई, और राज भाई के आने के बाद उसने मुझको मेरे को इधर छोड़ के चला गया। एंड उसने मैं जाऊंगा जाने लगा हूँ, मैं चला गया, चल तू अकेला बैठ भी नहीं बोला मुझको, मुझे अकेला छोड़ के इधर चला गया। मैं बहुत बोरिंग हो चुका है गाइस, इधर बन रहा है बहुत टाइम लगेगा इसको बनने के लिए, तो इसलिए मैं उसको लेके आ गया था, लेकिन राज भाई आके उठा के ले गया उसको। मैं अभी अकेला इधर अकेला पड़ गया भाई, और थोड़ा वेट बहुत हुआ, इधर वेट करना पड़ेगा। कम से कम जाने टाइम पे मैं चला जा रहा हूँ, मैं चले जब चले गया कल मिलेंगे, ऐसे फ़ोन पे जा रहा था, ऐसे ही वो फोन आ गया था, फ़ोन रिसीव किया था, फ़ोन रिसीव करने के बाद ऐसे ही चला गया वो, कुछ भी नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे ऐसे ऐसा काम पड़ गया इधर उधर, कुछ भी नहीं बोल के सीधे चला गया वो। तो मुझे इधर इधर ही बैठना पड़ेगा थोड़ा देर नहीं बहुत देर बैठना पड़ेगा, आके लाओ अभी, और छोड़ के चला गया। मैं अभी यहीं वेट करूँगा, उसके बाद सीधा घर जाऊँगा इधर से। काठमांडू में 2 मिनट में इतना जाम होता है इस कसम से, 2 मिनट एक आदमी उधर गाड़ी लेके खड़ा कर दिया था गाड़ी, उसके चक्कर में सब इधर जाम पड़ गए लोग, बहुत जाम पे इधर भी देख सकते हो। एक आदमी ने रास्ते में गाड़ी लेके रख दिया, उसके बाद सबको तनाव तकलीफ हो रहा है, इधर वेट कर रहे सब लोग। सो गाइस इधर और मॉल सुना लग गया ज़्यादा, थैंक यू फ्रेंड बड़ा, ये लगेगा क्या ये BS4 का है, लगेगा BS4 का वो टैंकी, और मेरा लॉक बिगड़ गया था हैंडल का जो, उसका 3000 रुपये ले लिया इनने, बहुत महंगा है इधर सामान, बहुत महंगा है यार, बहुत चुना लग गया पैसा, ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी चेंज करना पड़ेगा, नीचे भी चेंज हो जाएगा, और वो साइड लाइट का भी प्रॉब्लम था, साइड लाइट का, उसके साइड लाइट का भी लेके आ गया, देख सकते हो आप लोग जो है साइड का और इंडिकेटर नहीं बोलता है ना, इसलिए ये भी चेंज करने के लिए पड़ गया बहुत, इसका भी 2000 अराउंड लग गया, सो बहुत महंगा पड़ गया है, 12-15 हज़ार रुपये चलने लग गया सब करके, इधर सर्विसिंग सब करके इतना चलने लगेगा यार, पैसे डाल देना पड़ेगा इनका, और पैसा भी डालना बाकी है जो उधर से लेके आ गया था, और स्लिप भेज दे दिया है उसने, उनने मेरे पैसा कैश लेके नहीं गया था ना, इसलिए कैश लेके नहीं गया था, इसलिए मोबाइल भी इधर चार्ज में था, इधर चार्ज में रखे गया था, सो मुझे उनने दिया था इसी वाला नंबर दिया है, इसको इसी वाला नंबर पे पैसा डालना पड़ेगा अभी व्हाट्सएप पे। ए भाई जान भाई लोग भाई इधर ये डाल रहे लगेगा, ये वो बोल रहा था कि BS4 का डिफरेंट है और BS3 का डिफरेंट है बोल रहा था, लेकिन ये भी काम करता है सेम ही है, चलो ठीक है सब चेंज कर दो, क्या कितना बार इधर उधर दौड़ेगा, ठीक है कि नहीं, बहुत खर्चा हो गया ना, अगर कोई उधर दूसरा कोई गैरेज पे जाके सीधा ऐसे ऐसे सामान मंगाते तो बहुत खर्चा होता ज़्यादा है कि नहीं, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा लगता था, इसलिए तुम्हारे पास आए ना, इसी करने पर देखिए आप मेरा भी फायदा हो गया, हाँ आपको भी सस्ता हो गया, वही तो बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, और बाइक अच्छा बनना चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं, कल मुझे प्रॉब्लम हो गया तो आके बोलना है, तुमको ही बोलना पड़ेगा है कि नहीं, इसलिए सब अच्छे से चेक कर दो, क्या कुछ करना पड़ेगा सब कर दो, क्या करेंगे गाइस, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, तो क्या करेंगे। तो गाइस अभी इधर 6 बज गया, लगे 6:30 हो गया, और हम अभी भी एक बाइक बना रहे हैं भाई, अभी भी काम कर रहे हैं इधर, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ इधर, काम ही नहीं, बहुत स्लो हो रहा है क्योंकि दो बार खोलना पड़ गया सामान, दो बार निकालना पड़ गया, इसके लिए बहुत टाइम लग रहा है, सब कुछ चेंज किया था, बहुत ज़्यादा काम है आज, सो काम कर रहे भाई, उसके बाद अब ख़त्म होने जा रहा है, उसके बाद भैया जाके उधर धो के ले देंगे बाइक, उसके बाद हम इधर से निकलते हैं, तब तक हमको और वेट करना पड़ेगा इधर, बहुत टाइम लगेगा और। तो गाइस और इधर से बाइक उठा के वो भैया चले गया उधर, बाइक धोने के लिए चला गया, इधर धोने के लगे जगह नहीं है इसलिए भाई उधर धोने के लिए गए,
थोड़ा दूर है तो तब तक मुझे यहीं वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब कितना हो गया पैसे दे देंगे, सामान जो सामान लिया था उसको पैसे दे दिया है, बहुत महंगा पड़ गया, जो अराउंड 12-15 हज़ार रुपये पड़ गया। उसके बाद इनको पैसा कितना देना पड़ेगा पता नहीं है, और जब आएंगे उसको उसके बाद पूछ के उसको पैसे दे देंगे, उसके बाद हम घर निकल जाएंगे। तो गाइस अभी बाइक आ गया इधर, धुला के पी ले दिया, अभी चिकना दिख रहा है, अच्छा वाला लुकिंग कूल, इस लड़की से भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है बाइक सीरियसली। और अब भैया को पैसे देने जा रहा है, कितना देना पड़ेगा बोलिए, पैसा कितना हो गया, ए सब कर रहे छोटा छोटे सब कर रहे हो क्या पूरा ज़्यादा मत लगाना यार ज़्यादा मत लगाना, इधर 12-15 हज़ार रुपये तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, पता है तुमको है कि नहीं, 12-15 हज़ार तो पकड़ में नहीं, लेकिन सामान वामान चेंज किया था, पैसा तो लगेगा, फ्री में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अभी देना पड़ेगा 950। हम 1000 दे देंगे, 900 रुपये काट लिए, ठीक है किसी से पैसे जोड़ लिया, उतना ज़्यादा सब खोल के फिटिंग किया, उसका भी पैसा छोटा छोटा लिया, थोड़े बहुत बहुत ज़्यादा पैसे ले लिया यार, चेंज छोटा कितना ले लिया, अरे यार पैसा बहुत ज़्यादा ले लिया तुमने, ठीक है पैसे तेल डालना पड़ेगा बाइक में, क्यों अभी नया है इसलिए, ठीक है अभी नया है ना इसलिए वो डालना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अब जाएंगे और धो दिया है, अब जाके ऐसे सीधा घर जाएंगे, घर जाके उधर से सीधा निकल के जिम जाएंगे, हम उधर से पैसे लेंगे थोड़ा थोड़ा, और भाई रेडी भी हो चुका है उधर, घर से सीधा जिम चले जाएंगे, इसलिए ओके हम अभी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। So make sure that like and subscribe my YouTube channel everyone, keep loving, keep supporting, bye bye, दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं, bye bye।